अदील पे आपको क्या क्या मुश्किलें पेश आई? अजील पे मुझे बहुत मुश्किलें आई हैं, जो जो मैंने सोचा था वो जिंदगी में कभी मैंने देखा नहीं था। इधर जर्मनी में आकर मैंने सब कुछ देखा, मुझे घर में बैठे बैठाए सब कुछ मिलता था, इधर आकर एक एक कमरे में तीन तीन आदमियों के साथ रहना पड़ा। कोई कैसा है, कोई कैसा नहीं है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, बहुत मुश्किलों का सामना किया मैंने, इतनी स्ट्रगल की इधर, मगर मैं काम करता रहा और उस वाहेगुरु का मैं शुक्रिया करता हूँ। मैंने उसका नाम लेता रहा, उस परमात्मा का, जिसने मुझे आज पेपर भी मिल गए हैं, मुझे सब कुछ मिल गया, उस वाहेगुरु का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपकी हमारी मुलाकात कैसे हुई है? सत श्री अकाल भाजी, सबनू सलाम अलैकुम सबनू। मुलाकात इस तरह हुई है, विरजी होर नाल असी इधरों जा रहे सा, मन है माया सा, मैं इधरों जा रहा सा तो मैं देखा भाजी और इधर मैं सोचा कोई अपना ही है, चेहरा पहचानिया तो लग्या अपना ही है, तो फिर अंदर आ गया तो भाजी होर नाल गल की, तो पंजाबी भाजी होर ने अगू पंजाबी विच गल जवाब दिता, तो मैं कहा ये तो अपने ही निकले हैं। तो मेरी एक पोस्ट का मसला सी, वह थोड़ी जी फस गई सी किधरे, तो वह मैं भाजी होर को इनफॉरमेशन लेंदे लेंदे तो भाजी होर गलबात स्टार्ट की है। आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, मेरा नाम गगनदीप सिंह है, मैं इंडिया चू जम्मू विच रहना, ते बस आ पहुंच गया इधर जर्मनी, जर्मनी का सफर सी, जिधर दे दाने उधर दे खाने, बस उस परमात्मा ने दाने खिलाने से ते इधर पहुंच गए हैं जर्मनी। मैं आया टूरिस्ट वीजे से सा इधर। अच्छा अच्छा। हां जी, बात उसी अजील। हां जी, फिर मैं झील करवाई है। ये भी बताएं कि आपको पहले किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब आप जर्मनी में अपने अजील ली, तो आपको क्या-क्या मुश्किलें पेश आईं? हाँ जी, मुश्किलों का बहुत सामना करना पड़ा। तो आपको इस दौरानी में जो आप काम ढूंढते थे जब आप जेल पे थे, तो आसानी से मिल जाता था या मुश्किल पेश आती थी? नहीं, मुश्किलें बहुत पेश आती थी, क्योंकि इधर जो जबान है वो इधर डच बोलनी पड़ती है, तो डच के लिए मुझे बहुत मुश्किलें आई हैं, मगर मुझे मिल गया। पहली बार ही में दो तीन काम मैंने ट्राई किए, तो मुझे एक दोनों जगह पे मुझे टर्मिन मिल गई, तो मैं एक जगह पे जाकर बर्गर किंग में काम के लिए ढूंढा, तो काम मिल गया मुझे बर्गर। कितने साल हो गए हैं आपको जर्मनी में? जर्मनी में मुझे तकरीबन 5.5 साल हो गए हैं। अब दूसरे लोगों को क्या कहेंगे जो अजील पे इधर आना चाह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ आओ इधर झील झील करवाओ, आओ, बेशक सबको, सब इधर आकर मेहनत करें, मजदूरी करें, पैसा कमाएं, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, जर्मन बहुत अच्छा है, इधर के आदमी बहुत अच्छे हैं, आपका साथ देंगे, मगर उस अल्लाह ताला का नाम, उस वाहेगुरु का कभी नहीं भूलना, आपको कामयाबी इंशाअल्लाह उस वाहेगुरु की मेहर के साथ पक्का मिलेगी। जो आपको पेपर मिले हैं यहाँ पर, तो ये पेपर क्या आपने कुछ शादी की है या आपको सिर्फ काम कर करके आस्ता आस्ता मिल गए? मैंने कोई यहाँ पर शादी नहीं की है, कुछ नहीं किया, मैंने उस वाहेगुरु का नाम लिया और यहाँ पर बेसिक सीखा, जर्मन का कोर्स किया और काम की वजह के साथ मुझे पेपर मिले हैं, मैंने किसी के साथ शादी नहीं की है इधर। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अब आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, वीर जी का चैनल जो है बहुत अच्छा चैनल है, तो इसको सब सब्सक्राइब कीजिए और सब देखिए चैनल को, तो भैया बहुत अच्छे हैं, इनको वाहेगुरु चढ़दी कला में रखे। थैंक यू।